हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आज आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाने वाली हूँ। उसमें मैं स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे राइट एंड रीड करते हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो सेशन के कंटेंट है, सबसे पहले मैं आपको क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो कैसे ओपन करते हैं, ओपनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्लोजिंग ऑफ दैट सेम फाइल, ये इन शॉर्ट पढ़ाने वाली हूँ। इसके डिटेल इंट्रोडक्शन के लिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये वीडियो में मैं मेनली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो कैसे राइट करते हैं, वैसे ही वही स्ट्रिंग उसी फाइल में से हम रीड कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेनली मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले मैं क्रिएशन ऑफ अ फाइल, ओपनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल, ये इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड io.h फाइल इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें ये फाइल स्ट्रक्चर इनबिल्ट होता है। उसका मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है fp। fp स्टैंड्स फॉर फाइल पॉइंटर। ये जो है वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हमें एड्रेस स्टोर करना है। किसका एड्रेस स्टोर करना है, तो हमें फाइल का एड्रेस स्टोर करना है। तो ऑब्वियसली अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है तो हमें ये वेरिएबल जो बनाना है वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाना है। आपको अगर पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मेरी चैनल में से पॉइंटर्स इन सी के भी वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे फिर से उसका शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे समझती हूँ कि आपको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एफ ओपन फंक्शन यूज किया है, जिसमें मैं फाइल ओपन करने वाली हूँ। ये फंक्शन हमें फाइल ओपन करने के लिए मदद करता है। उसके लिए हमें दो पैरामीटर पास करने की ज़रूरत होती है। पहला पैरामीटर है फाइल का नाम, दूसरा पैरामीटर है ओपनिंग मोड। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इन शॉर्ट बता दूंगी कि यहाँ पे अगर मैं W मोड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ राइट मोड यूज़ कर रही हूँ, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं नया फाइल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो ये जो एफ ओपन फंक्शन है वो उस फाइल का बेस एड्रेस इस फाइल पॉइंटर में रिटर्न करेगा। इसलिए हम फाइल पॉइंटर को पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एड्रेस, बेस एड्रेस, फाइल का बेस एड्रेस इसमें होल्ड करेगा। अगर ये एफ ओपन फंक्शन फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं करता है तो हमें एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करेगा। इसलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि fp के कंटेंट अगर नल है, इसका मतलब है फाइल ओपन नहीं हुआ है और क्रिएट नहीं हुआ है, और हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना है। क्योंकि अगर फाइल ही ओपन नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे का कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। पर अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो रहा है तो उसके बाद इस इफ कंडीशन के बाद हम जो टास्क करना चाहते हैं हमारी फाइल के ऊपर, मानो कि अगर हमें कैरेक्टर रीड करना है, राइट करना है, कॉपी करना है एक फाइल में से दूसरे फाइल में, अगर स्ट्रिंग रीड करना है और राइट करना है, और एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन ऑन फाइल, दैट यू कैन परफॉर्म आफ्टर दिस इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल तो इस छोटे से प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ क्रिएशन ऑफ फाइल, ओपनिंग ऑफ फाइल एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं किया हुआ है।
तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये फाइल क्लोज कर रही हूँ। कौन सा फाइल मुझे क्लोज करना है, जिसका फाइल पॉइंटर और जिसका एड्रेस fp वेरिएबल में स्टोर्ड है, वो फाइल मैं क्लोज कर रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे fp पास कर दिया। तो इसका मतलब ऐसे है कि फाइल पॉइंटर fp में जो है वो फाइल डॉट txt का एड्रेस है, तो अल्टीमेटली एफ क्लोज फंक्शन फाइल डॉट टी एक्स टी क्लोज कर देगा। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग ऑफ फाइल एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये हमें हर एक प्रोग्राम में करनी है। फाइल ओपन करने के बगैर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करने के बाद हमें मैंडेटरीली कंपल्सरीली फाइल क्लोज भी करना है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट इंक्लूड किया है मेरी वीडियो सेशन में। उसके बाद अब हम आगे जाके मेन पार्ट जो है आज के सेशन का वो देखने वाले हैं, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अगर हमें राइट करना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो हम डेटा राइट करने वाले हैं वो अलग अलग डेटा टाइप का है, दैट इज़ सम कोई जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, कोई स्ट्रिंग है, ऐसे अगर अलग अलग वेरिएबल है हमारे पास, तो हम वो कैसे राइट करेंगे, उसे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है एफ प्रिंट एफ फंक्शन। अभी अगर आपको सिंगल कैरेक्टर राइट करना है, उसके लिए हमारे पास अलग फंक्शन है, उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद अगर हमें स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग राइट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। पर अगर हमें ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, डेट इज़ इंटीजर वैल्यू भी लिखनी है, हमें कैरेक्टर भी लिखना है, हमें स्ट्रिंग भी लिखनी है, हमें स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड भी लिखना है, ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट एफ फंक्शन, एवरी वन इज़ नोइंग द प्रिंट एफ फंक्शन, सभी को प्रिंट एफ फंक्शन पता है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है। उसका सेम सिंटैक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओनली द डिफरेंस इज जो हमारा कांस्टेंट फॉर्मेट है उसके साथ साथ हम फाइल पॉइंटर भी पास करने वाले हैं। अगर फाइल पॉइंटर हम पास करते हैं, इसका मतलब है कौन सी फाइल में हमें राइट करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग राइट करने के लिए यूज करने वाले हैं, जैसे कि हम printf फंक्शन यूज करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कंसोल पे राइट करने के लिए। पर अभी हमें यहाँ पे फाइल पे राइट करना है, इसलिए हमारा फंक्शन का नाम है f printf, दैट इज फाइल printf। तो अभी ये क्या करेगा, ये वर्क होगा जस्ट सेम एज ऑफ द printf फंक्शन। सॉरी आई अपोलोजाइज, यहाँ पे scanf नहीं printf होना चाहिए था, यहाँ पे मतलब कि printf फंक्शन की तरह ही ये वर्क होगा। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम ऐड करने वाले हैं, जो कि है हमारा फाइल पॉइंटर, जिसकी मदद से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी फाइल पे डेटा राइट करना है। इसका एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल जो है वो है स्ट्रिंग, दैट इज कैरेक्टर सेट हमने लिया हुआ है, जिस पे मैंने लिखा है वेलकम असाइन किया है। और जो दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है वो है ईयर, वो जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, जिसको मैंने 2018 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं फाइल पॉइंटर वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैंने फाइल ओपन कर लिया है W मोड में, दैट इज़ मैं नया फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ वेदर फाइल इज़ क्रिएटेड और नॉट, इफ इट इज नॉट क्रिएटेड आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। पर अगर वो अच्छे से क्रिएट हुआ है तो हमारा मेन टास्क है टू राइट दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऑन टू द फाइल। इसके लिए सबसे पहला फर्स्ट पैरामीटर हमारा हो गया जो है फाइल पॉइंटर, एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर। दूसरा पैरामीटर है जो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो है
स्ट्रिंग वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल जो है वो है इंटीजर टाइप वेरिएबल। यहाँ पे हम आइडेंटिफायर स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर रहे हैं जो कि हमें फाइल पे राइट करने हैं। इसका डेटा ऑलरेडी हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है तो वो राइट कर देगा। सबसे पहले स्ट्रिंग राइट करेगा, उसके बाद वो ईयर राइट करेगा और उसके बाद हमें फाइल क्लोज कर डालनी है और हमें वहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, ये मेन फंक्शन, और वी कैन से दैट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये प्रोग्राम वेलकम 2018 आपकी फाइल में राइट कर देगा जिसका नाम है फाइल डॉट टी एक्स टी। आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो कि आपकी फाइल में ये सारा राइट हो चुका है। अगर अब हमें ये यही सारी चीज़ें इसी फाइल में से रीड करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर हमें वही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फाइल में से रीड करनी है तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन एफ स्कैनएफ फंक्शन। अभी फिर से वही चीज़ें हैं कि ये बिल्कुल स्कैनएफ की तरह ही वर्क करेगा, ओनली द डिफरेंस इज हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है फाइल पॉइंटर, बाकी की चीज़ें जस्ट सेम एज ऑफ योर स्कैनएफ फंक्शन और फंक्शनैलिटी भी सेम है। यहाँ पे जैसे ही स्कैनएफ फंक्शन कंसोल से इनपुट लेता है वैसे ही यहाँ पे एफ स्कैनएफ फंक्शन फाइल से इनपुट लेगा, दैट इज रीड करेगा। जो कुछ डेटा हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे पास करने वाले हैं उसी सीक्वेंस में वो फाइल में से डेटा रीड करेगा। कौन सी फाइल में से रीड करना है, इसके लिए हमें फर्स्ट पैरामीटर फाइल पॉइंटर पास करना है। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इट रीड्स डेटा फ्रॉम फाइल जस्ट लाइक एज ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन जो है वो कंसोल से रीड करता है बट एफ स्कैनएफ फंक्शन जो है वो रीड करेगा डेटा फ्रॉम द फाइल। ओनली द डिफरेंस इज दैट एक्स्ट्रा पैरामीटर जो मैंने अभी बोला, फर्स्ट पैरामीटर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम यहाँ पे दे रहे हैं दैट इज फाइल पॉइंटर, वो हमें पास करना है टू इंडिकेट कौन सी फाइल में से हमें डेटा रीड करना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, वही वाला एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है जिसपे सबसे पहले हम फर्स्ट पैरामीटर ले रहे हैं वो है कैरेक्टर स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर ले रहे हैं वो है ईयर ऑफ टाइप इंटीजर, पहला वाला था कैरेक्टर स्ट्रिंग। उसके बाद हमने फाइल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने W प्लस मोड यूज़ किया है। W प्लस मोड क्या होता है, राइट प्लस मोड, जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो अभी हमें फाइल में से रीड करना है इसलिए इस मोड में भी हम हमारा फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया है कि फाइल हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं। मान लो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एफ पुटेस फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे राइट भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे W प्लस मोड है, मतलब कि जो हमने फाइल, अगर हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है फाइल डॉट टी एक्स टी, वो उसके कंटेंट वैनिश होने वाले हैं क्योंकि हमने W प्लस मोड यूज़ किया हुआ है, वो राइट भी करेगा रीड भी करेगा। इसलिए हम यहाँ पे फिर से एफ पुटेस फंक्शन से हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं वो वाला स्ट्रिंग दैट इज़ वेलकम 2018 हमारी फाइल में जिसका एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर है एफ पी। हम यहाँ पे फिर से रिवाइंड कर रहे हैं उस फाइल को क्योंकि रिवाइंड का मतलब है कि ये जो रिवाइंड फंक्शन है वो फाइल पॉइंटर सेट कर देगा एट द बिगिनिंग ऑफ योर फाइल, आप फाइल की बिगिनिंग में ये फाइल पॉइंटर उसको सेट कर देगा। और उसके बाद अभी हमारा मेन टास्क जो है जो हम रीड कर रहे हैं फ्रॉम द फाइल, जिसमें पहला वेरिएबल जो है हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग है इसलिए परसेंटेज आइडेंटिफायर दिया हुआ है, दूसरा है इंटीजर इसलिए परसेंट डी दिया हुआ है। जो पहला वाला स्ट्रिंग आ जाएगा दैट इज वेलकम वो आ जाएगा स्ट्रिंग वन वेरिएबल में, दूसरा वाला जो है डेटा जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 2018 एज अ स्ट्रिंग राइट किया था पर अब हम यहाँ पे वही 2018 एज अ इंटीजर रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एम परसेंट ईयर मैंने लिखा हुआ है।
और जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारा एक्स्ट्रा पैरामीटर दैट इज फाइल पॉइंटर हमें यहाँ पे एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास करना है। तो ये हो गया हमारा एफ स्कैनएफ फंक्शन, जो रीड करेगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल। अभी रीड किया हुआ जो डेटा है वो एस टी आर वन वेरिएबल में है और ईयर वेरिएबल में है। तो प्रिंट एफ की मदद से हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग पहला रीड किया हुआ है और जो इंटीजर वैल्यू रीड की हुई है वो कंसोल पे राइट कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। इस दोनों स्टेटमेंट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि हमने सक्सेसफुली स्ट्रिंग एंड इंटीजर यहाँ पे रीड किया हुआ है। उसके बाद हमारा अभी जो काम था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हम फाइल क्लोज कर रहे हैं, फंक्शन से एग्जिट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में आप ये वाला प्रोग्राम डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करते हो फिर भी ये करेक्ट आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एफ पुटेस की हेल्प से डेटा राइट किया हुआ है। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट्स कमेंट करते हो और अगर आपको पहला हुआ जो हमने प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था उसी प्रोग्राम उसी की मदद से आपको रीड करना है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, सबसे पहले मैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको रीड मोड में फाइल ओपन करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू प्लस मोड, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो आपको रीड मोड में ओपन करनी है, क्योंकि आपको डेटा रीड करना है। सबसे पहले चेंज ये हो जाएगा। दूसरा चेंज होगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि अगर आपकी फाइल रीड मोड में है तो आप उसमें राइट नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको वो कमेंट कर देना है। और अगर कुछ राइट नहीं कर रहे हो तो आपको रिवाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी आपको कमेंट करना है। बस दिस ये तीनों चेंजेस करके आपको वो पहला वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, फिर से ये वाला प्रोग्राम भी वही आउटपुट देगा। दोनों इस प्रोग्राम का एज इट इज अगर आप रखते हो तो भी आउटपुट वही आएगा। और पहले जो एक्सप्लेन किया हुआ था दैट इज मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये वाला प्रोग्राम पहले आप एग्जीक्यूट कर लो, उसके बाद ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करो जो मैंने अभी चेंजेस बोले हैं, मतलब कि यहाँ पे रीड मोड और ये दोनों स्टेटमेंट को कमेंट करना है, उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो भी आपको वही आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट देना ना भूलिए। अगर यही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना भी ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। और सबसे एंड में आपका बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरी चैनल के नए नोटिफिकेशंस देता रहेगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ जिसकी मदद से आप मेरे चैनल के और कई वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।